और वहीं इस बजट को लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विक्रम राठौर ने, देखिए। उत्तर प्रदेश में आज दूसरा आम बजट विधानसभा में रखा गया, इस पर हमसे बात करने के लिए सूचना एवं यूथ वेलफेयर मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं नीलकंठ तिवारी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो बजट आज पेश हुआ, बड़ा बजट पेश हुआ, कई नई योजनाएं आई हैं, कई पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को सर? बस एक लाइन की बात, समाज के हर तबके के उत्थान करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, और जो कंसेप्ट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय योगी जी का, कि बिना उत्तर प्रदेश के विकास के भारत का विकास संभव नहीं है, तो उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के कड़ी में भारत के साथ जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, और उसके लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया। आपके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, किस तरीके से इन विभागों आपको क्या क्या चीजें मिली है और किस तरीके से आप उनको और आगे बढ़ाएंगे? यूथ वेलफेयर की बात करी जाए, युवाओं की बात करी जाए, तो सरकार उनके लिए बहुत काम कर रही है, किस तरीके से और उसमें आगे चीजें होंगी सर? एक चीज बताएं, पहली चीज तो यह वर्ष, जैसे पिछली बार हम लोगों ने किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का करीब विभिन्न योजनाओं में हमने लगाया, हर व्यक्ति को, मैंने हर किसान परिवार को हमने बोध कराया कि आप मालिक हो। भले क्या था, जो पिछली सरकारें थी उसके मन में भाव कि किसान मजदूर है, गरीब है, उसके मंदर में भाव था, हमें नहीं मानते, हम मानते हैं किसान हमारा मालिक है, अन्नदाता है, और किसान को मजबूती देनी है, किसान को मजबूत दे रहे हैं। उसी तरह जो अंतिम वर्ग है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए छत मिले, खाने के लिए खाने के लिए अन्न मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले, मन भी संरक्षित रहे। हम किसी को इस लायक नहीं बनाना चाहते कि स्वाभिमान बेच करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो, या वो स्वाभिमान बेच करके इस सब चीजों को ले। हम उसको यदि मकान बनाने का दे रहे हैं तो उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए दे रहे हैं, हम यदि उसको रोजगार दे रहे हैं तो उसके स्वाभिमान से जोड़ते हुए दे रहे हैं, हर वर्ग के विकास के लिए, खेल के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, अनुसूचित वर्ग के लिए भी है। बिल्कुल, तो ये थे मंत्री नीलकंठ तिवारी, जिनका साफ ये कहना था कि जो चीजें हैं उनको हम विश्व स्तर पर रखेंगे, जो जिले की स्तर की चीजें हैं उनको और आगे बढ़ाई जाएगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इस तरीके से काम होगा, और जो बजट है वो जन कल्याणकारी है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।